किमाया किचन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बनाएंगे घिया चने की दाल। घिया को छील लेते हैं। ये हमने छील ली है, ये हमने मीडियम साइज के टुकड़े कर लिए हैं। ये देखिए, हमने प्याज ले ली है, प्याज को हमने काट लिया है, हरी मिर्च को भी हमने काट लिया है, लहसुन को भी हमने काट लिया है। हमने चढ़ा दिया है कुकर में, हम 1.5 चम्मच तेल डालेंगे, तो अब गर्म होने देंगे। हमारा हो चुका है, अब हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे, 1 इलायची डालेंगे, थोड़ा जीरा, 2-4 काली मिर्च डालेंगे, दालचीनी डालेंगे। ये हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें प्याज लहसुन हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसको चलाइए चलाएंगे। प्याज को ब्राउन होने देते हैं। 2 टमाटर ले लिए हैं, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 2 टमाटर ले लिए हैं, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1.5 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 मसाले को हम इसमें डाल देंगे, प्याज हमारी हो चुकी है, इसमें डाल देंगे सारा मसाला। अब इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे, से भून लेंगे। मसाला भूनने के बाद हम घिया डाल देंगे, घिया डालने के बाद भूनेंगे। हमारी भून चुकी है, अब हम इसमें दाल डालेंगे। हम इसमें पानी डालेंगे, एक देख पानी डाल देंगे। अब इसे ढक्कन लगा के कम से कम 4 सीटी का इंतज़ार करेंगे, 4 सीटी का इंतज़ार करेंगे। दाल हमारी हो चुकी है, अब हम इसे एक बॉल में निकालेंगे। वो हमने लाल मिर्च भूनी थी, वो हम इसको डाल देंगे, थोड़ा धनिया डालेंगे, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।